उसे डांस करना पसंद था। उसने डांस इंडिया डांस से लेकर झलक दिखला जा जैसे नामी टैलेंट हंट शोज में भी भाग लिया था। और अपने फैशन सेंस और डांस के इस हुनर की वजह से ही उसने मिस्टर उत्तराखंड का खिताब भी हासिल किया। लेकिन जब शोहरत और कामयाबी उसके सिर चढ़कर बोलने लगी तो वो आपे से बाहर हो गया, गुनाह के रास्ते पर चल निकला और अब पुलिस के शिकंजे में है, बड़े घर यानी जेल भेजा जा रहा है। असल में छोटे मोटे डांस कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसने अपनी ऐसी मार्केटिंग की कि देखते ही देखते 20 से ज्यादा लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड्स बन गई। अब जिस लड़के की इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हो, अपने रिश्ते और दोस्ती बनाए रखने के लिए उसकी जेब तो गर्म होनी ही चाहिए, और यही पैसों की कमी उसे गुनाह की दुनिया में खींच ले आई। अदनान खान उर्फ आदि ने रातों रात पैसे कमाने के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर मशहूर पिज्जा चेन डोमिनोज में लूट की साजिश रची और द्वारका के सेक्टर 11 मार्केट के डोमिनोज में 11 दिसंबर को चाकू की नोक पर देर रात 3 लाख रुपए लूट भी लिए। लेकिन जब छानबीन करती पुलिस अदनान के पास पहुंची तो उसका प्रोफाइल देखकर चौंक गई। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा डांसर, 20 गर्लफ्रेंड्स को रिझाने के लिए की लूट, डांस के टैलेंट हंट शो में ले चुका है हिस्सा, डांस की वजह से ही बना था मिस्टर उत्तराखंड। हरिद्वार का रहने वाला आदि इन दिनों उत्तम नगर में रहता था। उसे डांस का शौक तो था ही, लड़कियों से दोस्ती का भी शौक था और इसी दोस्ती ने उसके कदम बहका दिए। एक साथ 20-20 लड़कियों को खुश करने के लिए उसने लूट की साजिश रची, लूट भी की, लेकिन पकड़ा गया। पुलिस की माने तो इस लुटेरे ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा था और उसमें अपने वीडियोस डालता था। उसने पुलिस को बताया कि उसे मुंबई से एक डायरेक्टर ने ऑफर भी दिया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो उस ऑफर को कबूल नहीं कर सका। बहरहाल अब उसे जेल का ऑफर है और मजबूरी ये है कि वो इसे ठुकरा नहीं सकता।